वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज है हम हमारे लेक्चर नंबर 19, सिटिंग अरेंजमेंट एंड रैंकिंग अरेंजमेंट के अंदर। इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखो, ये जो लेक्चर है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस लेक्चर में। और साथ ही इससे 2 से 4 क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। देखो, ये जो क्वेश्चन है दोनों ही थोड़े से टिपिकल पड़ते हैं समझने में, लेकिन आप थोड़ा सा फोकस करके समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि इन लेक्चर्स के मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आप पहले पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट निकालिए, और उसके बाद क्लास में बैठिए, और जो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ पहले क्वेश्चन को पॉज कीजिए, अपने आप क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए, फिर आप वीडियो को देखिए, ठीक है, क्वेश्चन कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसा कुछ कंसेप्ट समझने की बात नहीं है कि वो सिटिंग अरेंजमेंट किस किस तरीके से होता है, उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है, किस तरीके से क्वेश्चन आगे बढ़ता है, वो सब हम क्वेश्चन में सीखेंगे। रैंकिंग अरेंजमेंट में एक दो चीज़ें समझने वाली हैं, वो समझ लो, ठीक है। जैसे कि एक फॉर्मूला है रैंकिंग का, एकदम थंब रूल जो है वो है ये कि टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल्स टू रैंकिंग फ्रॉम द लेफ्ट प्लस रैंकिंग फ्रॉम द राइट -1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई एक अरेंजमेंट है, इसके अंदर अगर किसी एक पर्टिकुलर जो पॉइंट है उसकी रैंकिंग लेफ्ट साइड से दे दी और उसी पॉइंट की रैंकिंग राइट साइड से दे दी, तो इस पूरी रो में कितने लोग हैं, अगर वो निकालना हो तो लेफ्ट साइड से रैंकिंग प्लस राइट साइड से रैंकिंग -1 कर देंगे, ठीक है। ये लेफ्ट और राइट का मतलब यहाँ टॉप और बॉटम भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि चाहे आप ऐसे बोलेंगे तो टॉप और बॉटम हो जाएगा, और ऐसे बोलेंगे तो लेफ्ट राइट हो जाएगा। सिंपल सी बात क्या है कि एक ही चीज की दो जो पॉइंट्स हैं उनसे अगर आपके पास रैंकिंग है तो टोटल नंबर इज इक्वल्स टू लेफ्ट से रैंकिंग प्लस राइट से रैंकिंग -1। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इससे। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, ए इज रैंकिंग फ्रॉम राइट इज 25th, व्हाट वुड बी एज रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट। देखो, सिंपल सी बात क्या है कि टोटल आपको देते हैं 40 बच्चे हैं, ए की राइट से रैंकिंग दे दी, लेफ्ट से पूछ ली, तो फॉर्मूला क्या था कि टोटल नंबर इज इक्वल्स टू लेफ्ट से रैंकिंग प्लस राइट से रैंकिंग -1, ठीक है। तो 40 इज इक्वल्स टू एल प्लस 24, तो एल की वैल्यू आ गई 16, यानी कि कितनी हो गई इसकी रैंकिंग, 16th हो गई लेफ्ट से। वेरी इजी, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पर कि इन अ रोज ऑफ ट्री, अ ट्री इज 49th पोजीशन फ्रॉम बोथ एंड, दोनों एंड से लेफ्ट और राइट से 49 नंबर पे है, तो हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन अ रो, तो टोटल कितने रो होंगे एक ट्री के, तो टोटल नंबर क्या है, लेफ्ट से रैंकिंग भी 49 प्लस राइट से रैंकिंग में 49 -1, ये कितना हो गया, 98 -1 इज इक्वल्स टू 97। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और बता दूं, अगर मान लो कोई बोले कि ए की रैंकिंग जो है वो लेफ्ट से 7th है, ए की रैंकिंग लेफ्ट से 7th है, इसका मतलब क्या है कि ए से पहले 6 लोग हैं, ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए, है ना। एक छोटी सी चीज़ और थी कि आपको कभी अगर क्वेश्चन में इस तरीके से बनाना पड़ जाए, तो अगर 7th रैंकिंग लिखी है मतलब यहाँ पर 6 लोग हैं, ठीक है ना, ए से पहले, ठीक है। चलो एक और चीज़ समझते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन आर गिवन, देखो ऊपर वाली चीज में क्या था, ऊपर वाली चीज में यह था कि एक ही प्लेस की लेफ्ट और राइट से मुझे लोकेशन दे रखी थी, रैंकिंग दे रखी थी, लेकिन अगर मान लो कि अगर दो डिफरेंट प्लेसेस हो उनकी लेफ्ट और राइट से मुझे रैंकिंग दे रखी है, ठीक है, प्लस इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं वो मुझे दे रखा है, द इफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन आर गिवन एंड द वैल्यू ऑफ मिडल इज ऑल्सो गिवन देन द मैक्सिमम वैल्यू, तो टोटल जो पीपल हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, लेफ्ट से जो रैंकिंग दे रखी है प्लस राइट से जो रैंकिंग दे रखी है प्लस बीच में जो लोग हैं वो, ठीक है। और मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मान लो कि ये एक रैंकिंग है, यहाँ पे बैठे हैं लोग, ठीक है, और एक मैं आपको इस पर्सन की बात कर रहा हूँ, तो मान लो ये लेफ्ट से इसकी 6th रैंकिंग है, ठीक है, और एक मैं इस पर्सन की बात कर रहा हूँ, इसकी राइट से मान लो 4th है रैंकिंग, और इन दोनों के बीच में 3 लोग हैं, तो इसमें मैं लोग कितने हो गए भाई, 6 + 3 9 + 4 13, ठीक है। इसी कंडीशन में मान लो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, ये 7 लोग हैं, इसकी मैंने आपको बोल दी कि राइट से इसकी रैंकिंग है 5th, राइट से 5th रैंकिंग है, इसकी जो लेफ्ट से रैंकिंग है वो है 5th, और इनके बीच में 3 लोग हैं, तो अब अगर आप जोड़ोगे इस केस में तो ये तो ज्यादा हो जाएगा जोड़ने पे, 5 + 5 10 + 3 13, ठीक है। इसलिए क्या है कि जो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इससे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो याद रखना हमेशा
कि जब भी दो डिफरेंट प्लेसेस की आपको मान लो इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाए, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आ जाए, ऐसे आ जाए कि फर्स्ट रैंकिंग पे आ जाए कि एक चालीस एक जो है स्टूडेंट्स है टोटल, उसमें ए की रैंकिंग जो है लेफ्ट से फिफ्थ है, बी की रैंकिंग जो है वो राइट से सेवंथ है, और ए और बी के बीच में मान लो तीन लोग हैं, तो मुझे बताइए, ये मेरे दो स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, और मेरा क्वेश्चन होता कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाता तो हाउ मैनी के अंदर आपको पता है डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए होता है। एकदम कंक्लूजन पे अगर मैं पहुंच पा रहा हूँ दोनों स्टेटमेंट से, तो मैं कहूंगा कि वो स्टेटमेंट इन दोनों का यूज करके मैं आंसर दे पा रहा हूँ। पर इस कंडीशन में, क्योंकि आपको पता है कि जब लेफ्ट और राइट से अलग अलग पोजिशन दी हुई होती है और बीच की वैल्यू दी हुई होती है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। इसलिए हाउ मेनी वाला अगर इस तरह का क्वेश्चन आया डेटा सफिशियंसी का, तो उसका आंसर होगा कि स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों का यूज करके भी हम आंसर तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से याद कर लेना, अभी तक यूपीएससी ने इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल सा। इन इन अ रो राजू इज टेंथ फ्रॉम द राइट, राजू टेंथ से बोलते हैं राइट से टेंथ है, और रवि जो है 21st फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 21 नंबर पे है। देयर आर थ्री स्टूडेंट्स बिटवीन देम, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टोटल इन अ रो। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे आना चाहिए, हाउ मेनी मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर पॉसिबल। ठीक है, इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन, हाउ मेनी मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर पॉसिबल इन द रो। तो सिंपल सी बात क्या है कि लेफ्ट से पोजिशन, राइट से पोजिशन प्लस बीच में लो, सबको जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 34 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू है 34, जरूरी नहीं है 100% केस में कि वो 34 ही आए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, रैंकिंग नहीं, बस आपको इतने समझना था, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही आपको सब कुछ समझ में आएगा, करना क्या है ध्यान से समझना एक एक चीज। ठीक है, कुछ थोड़े से क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स लगते हैं पहली बार समझने में, लेकिन अगर आप खुद से ट्राई करेंगे दो तीन बार, तो आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन भी बैठ जाएंगे दिमाग में। ठीक है, चलो। थ्री पर्सन ए बी एंड सी आर स्टैंडिंग इन अ कोर्ट, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, यानी एक लाइन में ए बी और सी खड़े हैं, जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में हो। देयर आर फोर पर्सन बिटवीन ए एंड बी, अब ए और बी के बीच में चार लोग हैं, यानी ए और बी और इसके बीच में है चार लोग। अब देखना ध्यान से, जब मैं बोल रहा हूँ ए और बी के बीच में चार लोग हैं, तो एक कंडीशन तो ये बन रही है और एक कंडीशन ये भी बन रही है कि नहीं, क्योंकि चार लोग हैं ना बीच में, तो कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, ए भी आगे हो सकता है, बी भी आगे हो सकता है। देयर आर सेवन पर्सन बिटवीन बी एंड सी, अब बी और सी के बीच में सात लोग हैं, तो सिंपल सी बात क्या है कि सी इस तरफ भी हो सकता है और सी इस तरफ भी हो सकता है, इसी तरीके से सी इधर भी हो सकता है, सी इधर भी हो सकता है। अब वो किस तरफ हम माने, ये कैसे पता पड़ेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता पड़ेगा। आगे बढ़ो। ठीक है, इफ देयर आर सेवन पर्सन बिटवीन बी एंड सी, ठीक है, उसके बाद इफ देयर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी, अब सी के अहेड यानी सी से पहले 11 लोग हैं और 13 पर्सन बिहाइंड ए, और ए के पीछे 13 लोग हैं। ठीक है, चलो एक एक करके हम बनाएंगे, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या। व्हाट कुड बी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू, मिनिमम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मिनिमम नंबर यानी मुझे इस तरीके से इस कंडीशन को फुलफिल करना है कि मेरी लाइन में कम से कम लोग हो। अब सिंपल सी बात, दोनों कंडीशन पकड़ते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये ए है ये बी है, मैं सी को इस तरफ लेके जाऊंगा तो लोग बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे अलग से यहाँ पर 11 लोग लेने पड़ेंगे, जबकि अगर मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो लोग मेरे पांच तो ऑलरेडी यूज हो ही जाएंगे, तो यानी कि सी को मैं इस तरफ रखूंगा तो लोग मिनिमम रहेंगे। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी कि मुझे सी को ए की तरफ रखना चाहिए, दोनों बना देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मान लो पहली कंडीशन में क्या बन रहा है, एक दो तीन चार और ये बी, अब सी मैं लेफ्ट की तरफ लिखूंगा तो सी और बी के बीच में कितने लोग हैं, सात लोग हैं, तो एक दो तीन चार पांच तो ये हो गए, छह और सात और सी। ठीक है, एक कंडीशन यहाँ ऐसे बन जाएगी, और बी एक दो तीन चार पांच छह सात और सी। ठीक है, समझ में आ गया कि मैंने इस तरफ क्यों लिखा, क्योंकि मिनिमम बनाना है। चलो अब इसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है, इसके बाद ये बोल रहा है कि 11 लोग सी से आगे हैं और 13 लोग ए से पीछे हैं। अब इन दो कंडीशन में मुझे देखो, सी से आगे मतलब इस तरफ और ए के पीछे मतलब इस तरफ, अब इन दोनों कंडीशन में मुझे एक बात बताओ कि मैं कौन सी कंडीशन लूं,
जिसमें कि मुझे सी से लेफ्ट की साइड बढ़ने पर कम से कम लोग यूज करने पड़े और ए से राइट की साइड जाने पर कम से कम लोग यूज करने पड़े। अब यहाँ देखो आप, सी से अगर मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग तो मेरे ऑलरेडी यूज हो चुके, ठीक है। और ए से राइट की तरफ जाने में भी मुझे 3 लोग यूज मिल रहे हैं। वहीं अगर मैं ऊपर वाली कंडीशन में देखूँ तो लेफ्ट साइड में तो सी के कोई यूज है ही नहीं, तो पूरे के पूरे मुझे 11 लोग लिखने पड़ेंगे। और ए में अगर देखूँ तो हाँ 1 2 3 4 5 लोग यूज तो हो रहे हैं, लेकिन नीचे वाली कंडीशन के कंपैरिजन में अगर दोनों का देखूंगा तो नीचे वाली कंडीशन में मुझे मिनिमम लोग ज्यादा मिलेंगे। तो मतलब मैं नीचे वाली कंडीशन लेता हूँ और मैंने लिया ए, ए से पहले सॉरी ए के बाद कितने लोग, 13 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सी से पहले 11 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। चलो टोटल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कितना आया, 22। और जब यहाँ देखोगे ऑप्शंस में आप तो 22 आपका मिनिमम नंबर भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 22 आपका आंसर हो गया। अब आप चाहो तो यहाँ पर भी कंडीशन बना के देख सकते हो। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता कि मैं सी को किस तरफ बिठाऊं या फिर ए को किस तरह बिठाऊं कि मिनिमम लो है, पर क्या है कि अगर आप एक एक कंडीशन पर ऐसे चेक करेंगे ना बना बना के तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको मैथमेटिकली चीज़ सोचनी पड़ेगी दिमाग में कि मैं कौन सी कंडीशन बनाऊं कि मुझे मिनिमम लोग मिले। तो यहाँ पे आप कंपेयर करना सीखो, ठीक है, चीज़ों को। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से देख लेना वीडियो को बैक करके, पर ये क्वेश्चन आराम से 2 3 बार समझना। समझने के बाद एक बार अपने कॉपी में फिर ट्राई करना अगर आपको नहीं आया था तो पहले, ठीक है, तभी आपको ये जो चीज़ है ये कंपेरिजन है ये समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यूपीएससी का फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। स्टेटमेंट वन, प्रिया इज 4 रैंक्स बिलो सीमा एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। क्या कह रहा है, प्रिया जो है, प्रिया 4 रैंक्स बिलो सीमा, मान लो सीमा यहाँ है तो इससे 4 रैंक बिलो है आपकी प्रिया, ठीक है, 4 रैंक का अंतर है इन दोनों के बीच में। एंड प्रिया इज 4 रैंक्स बिलो सीमा एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा एंड 31st फ्रॉम द बॉटम, यानी जो हमारी प्रिया है वो सीमा से 4 रैंक बिलो है और बॉटम से आपकी 31st रैंक पर है। तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं पहले कि सिर्फ स्टेटमेंट वन से मेरा क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा। अकॉर्डिंग टू एसओपी मैंने क्या बताया था, जैसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए तो पहले सिर्फ एक स्टेटमेंट लो और क्वेश्चन पढ़ो। वॉट इज सीमास रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, यानी मुझे टोटल नंबर दे दिया 40 और मेरे से पूछा भाई टॉप से क्या रैंक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे सीमा की बॉटम से रैंक मिल गई तो मैं निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता, टोटल नंबर इज़ टू टॉप प्लस बॉटम माइनस वन करके, ठीक है। तो अगर इस फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करके केवल अगर मुझे सीमा की बॉटम से रैंक मिल रही है तो मतलब मैं निकाल सकता हूँ। देखो प्रिया 4 रैंक बिलो है सीमा से, ठीक है, एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। देखो अगर प्रिया 31st नंबर पे है बॉटम से और सीमा जो है, प्रिया जो है सीमा से 4 रैंक पीछे है, मतलब ये 4 रैंक ऊपर हो गई, तो इसकी बॉटम से पोजीशन क्या हो गई, निकाल सकता हूँ मैं, 31 प्लस 4 35, यानी मेरे पास इसकी बॉटम से पोजीशन आ गई, मेरे पास टोटल नंबर है तो मैं टॉप से निकाल सकता हूँ। जी हाँ, मतलब केवल स्टेटमेंट वन का यूज करके मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, इना इज 2nd रैंक अबव सीमा एंड इज 37th फ्रॉम द बॉटम। तो सिमिलर जैसे मैंने ऊपर वाले तरीके से निकाला था, इस तरीके में भी मैं चाहे वो इना को मुझे 2 रैंक ऊपर दे दे, ठीक है, सीमा से अगर 2 रैंक ऊपर भी मुझे पता है इना है और ये बॉटम से 31 नंबर पे है, मतलब सीमा 29 नंबर पे होगी, ठीक है, तो भी मेरे पास सिंपल सी बात क्या है, टोटल नंबर मेरे पास है, मेरे पास बॉटम से रैंक आ गई तो टॉप से मैं रैंक निकाल सकता हूँ। मतलब स्टेटमेंट सेकंड का भी अलग से यूज करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ। मतलब क्या है कि आइदर स्टेटमेंट वन और आइदर स्टेटमेंट टू अलोन का यूज करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है। देखो मैंने इस क्वेश्चन में जैसे मेरे पाया तो मैंने आंसर निकाला नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे सिर्फ ये पता पड़ना चाहिए कि सिर्फ इस स्टेटमेंट का यूज करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ या नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन को पॉज करो, करने का ट्राई करो। आई होप आपने क्वेश्चन किया होगा, ए इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट, ए जो है वो लेफ्ट से 16th नंबर पे है, इन अ रो ऑफ बॉयज
एंड वी इज 18th फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से वी क्या है 18th नंबर पे है। जी इज 11th फ्रॉम द ए टूवर्ड्स द राइट एंड थर्ड फ्रॉम द वी टूवर्ड्स द राइट एंड। हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन आर रो। सबसे पहले मुझे क्या बोला, ए जो है 16th है फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द बॉयज, लेफ्ट यहां से लेकर ए ये है 16th नंबर पर। तो मैंने क्या बताया था, इससे पहले कितने लोग हैं, मतलब 15 लोग ए से पहले हैं। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट ए से डायरेक्टली लिंक नहीं हो रहा ना, तो अभी मत बनाओ उसको, बाद में बनाना। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखो, जी इज 11th फ्रॉम द ए टूवर्ड्स द राइट एंड, यानी ए से राइट में चलो तो जी भाई साहब 11th नंबर पे आएंगे। इसका मतलब क्या है कि ए और जी के बीच में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। समझ में आया, ए के राइट में चला 11th नंबर पे है, मतलब बीच में 10 लोग हैं। इसके बाद देखो, जी इज 11th फ्रॉम ए टूवर्ड्स द राइट एंड थर्ड फ्रॉम वी टूवर्ड्स द राइट, वी के भी राइट में थर्ड नंबर पे ए है, सॉरी जी जो है वो ए के भी राइट नंबर में है और वी के भी राइट में है। ए से तो 11th राइट था और वी से थर्ड राइट है, मतलब क्या है कि वी इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पर है और इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। समझ में आया या नहीं समझ में आया, ये स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। देखो इसने क्या बोला, पहले ए लेफ्ट से 16th नंबर पे, ठीक है, मतलब इससे पहले 15 लोग। जी जो है ए से राइट पे 11th, यानी ए और जी के बीच में टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 लोग हैं, ठीक है। 10 को यहाँ मत लिखो, कन्फ्यूजन नहीं होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 10 लोग हैं। इसके बाद क्या बोला, वी से भी राइट में ही है जी, कितने राइट में है, थर्ड नंबर पे, मतलब वी ए और जी के बीच में और यहाँ पर कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो इसका मतलब ए और वी के बीच में कितने लोग हैं मुझे निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक 10 लोग हैं, ठीक है। वी टू और वी और टू, मतलब 3 कट गए तो कितने आ गए, 7 लोग, ठीक है। तो 7 लोग यानी ए और वी के बीच में है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, पहला एक स्टेटमेंट ये था कि वी इज 18th फ्रॉम द राइट एंड, 18th फ्रॉम द राइट एंड मतलब क्या है कि राइट से अगर मैं जाऊं तो टोटल वी तक कितने लोग हैं, 17 लोग हैं। 17 लोग हो गए कि नहीं हो गए, 18th नंबर पे हैं, 17 लोग हैं वी से, 2 ये कम हो गए, 1 जी कम हो गया, यानी कितने बचे, जी के बाद 14 लोग हैं इस एंड से, ये बनाना आना चाहिए। अब इसके बाद आपको टोटल काउंट करना है, तो देखो 15 तो ये, फिर ए, फिर 7, फिर वी, फिर 2, फिर जी और फिर 14। इस तरीके से आप इन सबको जोड़ देंगे और क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 7 23 एंड 1 24, 26 27, 27 एंड 14 41, 41 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, ध्यान से देखना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जोड़ने का तरीका और भी इजी हो सकता है कि मान लो आप सिर्फ ए और वी को लेकर ही जोड़ सकते हो, क्योंकि आपको ए और वी से मिल गया, तो यहाँ से देख लो 15 लोग, 15 प्लस 1 ए हो जाएगा, ए और वी के बीच में कितने लोग हैं सर, 7 लोग हैं, फिर एक वी हो जाएगा और वी के पास 17 लोग हैं, ऐसे जोड़ोगे तो भी कितने आएगा, 41 आएगा। मेन चीज़ है ये बनाना, बनाना कैसे है, सबसे पहले ए का दिया हुआ है, चलो ए का ले लिया। इसके बाद ए सेकेंड स्टेटमेंट डायरेक्ट लिंक नहीं हो रहा तो एक बार छोड़ दो, थर्ड स्टेटमेंट लिंक हो रहा है उस तरीके से थर्ड स्टेटमेंट बना दिया, फिर वी का बना दिया, फिर उसके बाद आपको यहाँ से उस स्टेटमेंट का यूज़ करके आपने यहाँ कितने लोग थे वो निकाल लिए और फिर सबको जोड़ दिया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, खुद से ट्राई करना तो और अच्छे से दिमाग में बैठेगी चीज़ें, ठीक है। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स वेयर द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, ठीक है, क्लास में 60 लोग हैं, गर्ल्स का नंबर बॉयज के ट्वाइस, इसका मतलब क्या है कि बॉयज अगर x हैं तो गर्ल्स 2x हैं, यानी x प्लस 2x आपका 60 है, तो 3x यानी 60, x हो गया आपका 20, और यानी कि बॉयज हो गए 20 और गर्ल्स हो गए 40, ठीक है। पहले तो इतना निकाल लिया, कितने गर्ल्स कितने बॉयज, ठीक है। कमल ए बॉय, कमल जो कि एक लड़का है, रैंक्ड 17th फ्रॉम द टॉप। देखो सर, ये टॉप से ये हमारे कमल भाई साहब हैं, ठीक है, 17th नंबर पे है, इसका मतलब क्या है कि इनसे पहले 16 लोग हैं। कमल जो कि एक बॉय है, 17th नंबर है फ्रॉम द टॉप और इससे पहले 16 बॉयज हैं, ठीक है सर। इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, मतलब कि ये जो 16 लोग कमल से ऊपर है इसमें से 9 गर्ल्स है, अगर 9 इसमें से गर्ल्स है तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसमें 7 बॉयज है, ठीक है। तो पूछा है नंबर ऑफ बॉयज इन द रैंक आफ्टर हिम। अब देखो बॉयज कितने थे टोटल, 20 थे। कमल से पहले कितने बॉय हैं,
सात बॉय हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कमल क्या है, खुद एक बॉय है, तो 7 + 1 कितने हो गए, 8, यानी बाकी बचे हुए 12 बॉयज क्या है, कमल से पीछे हैं, आंसर हो गया 12। इसमें कैच क्या था कि आप ये ना भूल जाएं, यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप 20 से माइनस कर दोगे तो 13 आ जाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन किया है क्वेश्चन में कमल कॉमा ए बॉय, ठीक है, कि कहीं आप बाद में ये क्लेम ना कर दो, तो कमल तो लड़की का नाम भी हो सकता है, नाम से कैसे पता करें बॉय या गर्ल है, तो स्पेसिफिकली मेंशन कर दे यूपीएससी कमल ए बॉय, ठीक है, जिससे कि आप एकदम समझ जाओ कि हाँ यहाँ पे कमल को काउंट करना है, क्योंकि पूछा है कमल के बाद कितने बॉयज हैं, ठीक है, इसलिए तो क्या करा, सिंपल सा था, पहले हमने बॉयज और गर्ल्स कितने कितने हैं वो निकाल लिए, कमल टॉप से 17th नंबर पे है, मतलब इससे पहले 16 लोग हैं, अगर कमल से पहले 9 गर्ल्स है तो मतलब बाकी बचे हुए 7 क्या है, बॉयज हैं, टोटल 20 बॉयज थे, 7 बॉयज ही आ गए, एक कमल आ गया 8, और 8 20 में से बच गए, तो 12 बॉयज क्या है कमल के नीचे है, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, 6 persons A B C D E and F आर सिटिंग, ये अब सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होने शुरू हो गए, ठीक है, 6 persons A B C D E F सिटिंग इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ईच अदर अराउंड द सर्कुलर टेबल, ये सर्कुलर टेबल पे इक्वल डिस्टेंस पे है 6 लोग, ठीक है सर, ये मेरा सर्कुलर टेबल है, ठीक है, इसमें 6 लोग हैं और फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, इनका जो फेस है वो सेंटर ऑफ द टेबल है, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से 6 लोग हैं, इनका फेस सेंटर की तरफ है, अब क्या है क्वेश्चन है और दो स्टेटमेंट है, यानी वही यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन ऑफ डेटा सफिशियंसी, तो विद एसओपी काम करेंगे। क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के जस्ट लेफ्ट वाली पोजीशन पे कौन है, मुझे ये बताना है, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि आपको राइट और लेफ्ट समझ में आता है नहीं आता, अगर मान लो मैं इस पर्सन की बात करूं तो इस पर्सन का राइट किस साइड है मुझे बताओ, तो ये पर्सन मतलब जहां आपका फेस है वही, तो इसका राइट है इस साइड, ठीक है, इस पर्सन का लेफ्ट है इस साइड, समझ में आ रहा है, अगर मैं इस पर्सन की बात करूं इसका बताऊं मुझे, तो सर ये आपके जस्ट सामने बैठा है, मतलब जहां आपका लाइट होगा वहां इसका लेफ्ट होगा, तो इसका इधर क्या होगा लेफ्ट, जो कि जहां आपका राइट है, और इस तरफ होंगे भाई साहब के राइट, ठीक है, तो राइट लेफ्ट सर्कुलर वाले में पहले अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बाद में डाउट नहीं होगा, ठीक है, चलो फिर से बना लेते हैं, क्या था हमारा, एक सर्कुलर टेबल है और 6 लोग जो है वो इसके अंदर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है सर बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मुझे निकालना है ए के इमीडिएट लेफ्ट कौन सा है, पहले पहला स्टेटमेंट समझते हैं, बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी, बी जो है वो सी के अपोजिट बैठा है, ठीक है, एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई, इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो सी के अपोजिट है ऐसे भी, या फिर बी इस तरफ हो और सी इस तरफ हो, ये कहीं भी हो सकता है ना, देखो सर्कुलर के अंदर जैसे ही आप पहला आदमी बिठाओगे ना वो आप कहीं पे भी बिठा सकते हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि सर्कुलर के अंदर सब कुछ इक्वल है, सब इक्वल डिस्टेंस पे है, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाओगे वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सही हो जाएगा, चाहे आप बी और सी को यहाँ बिठाओ यहाँ बिठाओ यहाँ बिठाओ, पहला व्यक्ति आप कहीं भी बिठा सकते हो, ठीक है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि आपने बी को सी को यहाँ बिठाया इसको यहाँ नहीं, आमने सामने बोला है तो वो कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए, बी जो है वो सी के अपोजिट है और डी ई के अपोजिट है, तो यानी कि मान के चलो डी और ई, अब डी और ई तो कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं यहाँ भी हो सकते हैं यहाँ भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं डी और ई, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ ये चीज करने से मुझे कहीं पर भी ये पता पड़ा ए के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठेगा, बिल्कुल भी नहीं पता चला, क्योंकि ए तो क्वेश्चन में आया ही नहीं, प्लस जो भी ये इक्वेशंस भी आई हैं जो भी वो भी हमें एग्जैक्ट बिल्कुल भी नहीं मिली, इसमें एन नंबर ऑफ कंडीशन बन जाएंगी, तो ये सिर्फ स्टेटमेंट 1 से तो नहीं मिला, पहला एसओपी तो खत्म, सेकेंड एसओपी चलो केवल स्टेटमेंट 2 देखते हैं, एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट टू बी, मान के चलो ये है और वही 6 लोग हैं, तो इसमें सिंपल सी बात क्या है, एफ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी है, बी बी का लेफ्ट, ये अगर मुझे सिर्फ इतना सा दे दे कि एफ जो है वो बी के लेफ्ट में है तो मैं तो ये कैसे ही बता पाऊंगा कि ए के लेफ्ट में कौन है, तो केवल स्टेटमेंट 2 का यूज करके भी नहीं कर सकता, अब चलो दोनों को साथ यूज करते हैं, क्या पता उससे मिल जाए कि ए के लेफ्ट में कौन है, तो अगर मैं आपको ये कह दूं कि एक बार के लिए मान लेते चलो बी यहाँ बैठता है, तो एफ जो है वो बी के लेफ्ट में है, इसका मतलब क्या है कि एफ यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा, अगर मैं ये बिठा भी दूँ तो इसके बाद भी मैं ये कहाँ पता कर पा रहा हूँ कि ई डी
कहाँ होगा, बी और सी कहाँ होगा, एग्जैक्ट तो पता ही नहीं कर पा रहा मैं। प्लस उसके बाद ए की पोजीशन क्या होगी और ए किसके लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में कौन होगा, इन दोनों का यूज करके भी मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा। इसका मतलब क्या है कि बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशियंट, दोनों का स्टेटमेंट का यूज करके भी इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पा रहा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आता होगा। अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं डेटा सफिशिएंसी के, एसओपीज दिमाग में बैठ गई होंगी कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सिटी मैनेजमेंट क्वेश्चन जनरली थोड़े बड़े होते हैं, है ना। चलो रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, चलो द प्लान ऑफ अ ऑफिस ब्लॉक फॉर सिक्स ऑफिसर्स ए बी सी डी ई एफ इज एज फॉलोस। एक प्लान बनाना है हमें ऑफिस का। ठीक है, बोथ बी एंड सी ऑक्यूपाई ऑफिस ऑन द राइट कॉरिडोर एज वन एंटर्स द ऑफिस ब्लॉक। अच्छा, ऑफिस ब्लॉक मतलब सर्कुलर नहीं है ये, कुछ इस तरीके से है जैसे आपने कभी देखा है ऐसे कुछ एक ऑफिस ब्लॉक है। ठीक है, ऐसे ऑफिस ब्लॉक है, मान लो आप यहाँ से इसमें एंटर कर रहे हो। अब ये क्या कह रहा है कि बी और सी जो है वो राइट हैंड पे है, ये आपने एंटर किया, ये आपका राइट है। ठीक है, तो बी और सी का जो ऑफिस है ना वो यहाँ कहीं है। ठीक है सर, दोनों का राइट हैंड पे है, कौन आगे कौन पीछे किस तरफ पता नहीं है अभी, एक साइड कितने ऑफिस है ये भी नहीं पता। ठीक है, बी और सी का राइट पे है इतना पता है। ए ऑक्यूपाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ द कॉरिडोर। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड है, इस पर एक ऑफिस है कहीं पे। ठीक है सर, मतलब जब पता चल गया एक ऑफिस लेफ्ट में है बस। ई एंड एफ ऑक्यूपाई ऑफिसेस ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉरिडोर बट देयर ऑफिसेस डू नॉट फेस ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि अगर ई मान लो यहाँ पर है तो एफ यहाँ पर होगा, और अगर एफ यहाँ पर है तो ई यहाँ पर होगा, दोनों में से एक कंडीशन होगी। प्लस दूसरी चीज़ ये क्या बोल रहा है कि ई और एफ का ऑफिस एक दूसरे के आमने सामने तो नहीं होगा, आमने सामने नहीं होगा ई और एफ का ऑफिस। ठीक है सर, ठीक है ना, आमने सामने नहीं होगा बिल्कुल। हम आगे देखेंगे कंडीशन कहाँ यूज होगी। द ऑफिसेस ऑफ सी एंड डी फेस ईच अदर। सी और डी एक दूसरे को फेस करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सी अगर राइट साइड पे है तो उसका मतलब क्या है डी जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा, प्लस सी और डी एकदम आमने सामने होंगे। ठीक है ना, चलो ई डजंट हैव अ कॉर्नर ऑफिस। ई का कॉर्नर ऑफिस नहीं है, मतलब ई का ऑफिस जो है वो बीच में कहीं होगा। इससे मुझे एक बात क्या पता पड़ गई, इससे मुझे पहले ये बात ये पता चली कि देखो तीन ऑफिस तो यहाँ है और तीन ऑफिस ही यहाँ है, मतलब एक ऑफिस ऐसे, एक ऑफिस ऐसे, एक ऐसे, और इनके आमने सामने तीन ऑफिस ऐसे, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब इस तरीके से होगा और इसने क्या बोला, ई का ऑफिस कॉर्नर में नहीं है, ई का ऑफिस कॉर्नर में नहीं है, ई का लेफ्ट साइड में है, कॉर्नर में नहीं है, मतलब कहाँ होगा, ऑफ कोर्स ये बात है कि ई का ऑफिस इधर होगा, यानी ई की मुझे परफेक्ट पोजिशन पता चल गई। ठीक है सर, ई की मुझे परफेक्ट पोजिशन मिल गई, और एक और चीज़ मुझे क्या पता पड़ गई कि एफ तो यहाँ पर तो नहीं होगा, एफ यहाँ पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला था कि ई का ऑफिस एफ का ऑफिस आमने सामने नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं। एफ ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन एज बट ऑन द सेम साइड। ए और एफ का ऑफिस जो है, अच्छा अभी खैर ये भी तो क्लियर नहीं हुआ था ना कि ई और एफ, ई कहाँ पर एफ कहाँ पे, आमने सामने बोल रहा था उसने तो, केवल लास्ट में ये क्लियर हो गया कि एफ का ऑफिस जो है वो डाउन द कॉरिडोर देन ए, यानी ए के बाद में आएगा और सेम साइड पे है, यानी जिस साइड पे ए है उस साइड पे एफ होगा, मतलब ई यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे एफ होगा, और अगर एफ यहाँ पे है तो यहाँ पे ई होगा। मतलब क्या हुआ कि आपका ई का ऑफिस जो है वो इधर होगा, इस वाले बीच में होगा। ठीक है, इस वाले बीच में ई का ऑफिस होगा। अब सिंपल सी बात क्या है कि एफ का ऑफिस यहाँ नहीं हो सकता, ई के जस्ट सामने, और इतना भी मुझे कह रहा है कि एफ का ऑफिस बाद में आएगा, ए का पहले आएगा। उसका मतलब क्या है, एफ का ऑफिस बाद में आएगा, ए का पहले आएगा। इतना क्लियर हो गया कि ए इधर आ गया, ई इधर आ गया, एफ इधर आ गया। अब बाकी देखते हैं क्या कंडीशन बच रही थी, क्या कंडीशन बच रही थी सर, बी और सी को बैठाना है मुझे। ठीक है, ए का ऑफिस यहाँ गया, एफ का ऑफिस यहाँ गया, तो यहाँ और कौन बचा, यहाँ बचे डी भाई साहब। ठीक है, डी भाई साहब बचे। ठीक है, ये डी भाई साहब आ गए, नहीं ए का ऑफिस, एक सेकेंड। अब देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि एक बार यहाँ यही चीज थोड़ी मिस्टेक हो गई, जरूरी नहीं है एक ऑफिस यहाँ, ए तो इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है ना, एफ का ए के बाद होना चाहिए। अभी क्या कह रहा है कि सी और डी का ऑफिस एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। अब ये वाली पोजीशन एफ भाई साहब ने ले ली,
ये ई ने ले ली, ठीक है। अब इनके सिर्फ सामने वाली पोजिशन खाली है, तो सी और डी आमने सामने कैसे आ सकते हैं? सी और डी आमने सामने तभी आ सकते हैं जब यहाँ पे सी का हो और यहाँ पे डी का हो। जब यहाँ पे डी और एफ का हो गया तो मतलब ए का यहाँ पे आएगा, ठीक है, ए का ऑफिस यहाँ पे आएगा। यहाँ पर सी और ई का आ गया मतलब बी का ऑफिस यहाँ पे आ गया। तो कुल मिलाई कंडीशन क्या बनी? डी ए एफ ऐसे और सी ई और बी ऐसे। देखो तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बनाने में, एक दो बार मिस्टेक भी होगी, पर अगर आप सारी कंडीशंस देखो जब भी आपकी बन जाए ना तो फटाफट से सारी कंडीशन चेक कर लिया करो। देखो बी और सी राइट कॉरिडोर पे हैं, बी और सी राइट कॉरिडोर पे हैं, ठीक है। ए का ऑफिस लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है। ई और एफ जो है ऑफिस इज ऑन द अपोजिट साइड पर आमने सामने नहीं है। ई और एफ इज ऑफिस अपोजिट साइड पे है पर आमने सामने नहीं है, ठीक है, ठीक है। सी और डी एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक है, आमने सामने है। ई का ऑफिस कॉर्नर में नहीं है ना, नहीं, ई का ऑफिस बीच में है। एफ का ऑफिस जो है वो ए के बाद में आ रहा है, सेम साइड पर आ रहा है, जी हाँ, मतलब ये कंडीशन सही है। अब क्या कह रहा है? इफ ई सिट्स इन हिज ऑफिस द फे एंड फेसिस द कॉरिडोर हुज ऑफिस इज टू हिज लेफ्ट। मान लो ई साहब ऐसे बैठे हैं और इनका फेस है कॉरिडोर की तरफ ऐसे, तो इनके लेफ्ट साइड में किसका ऑफिस है? लेफ्ट साइड में सी का ऑफिस है, ठीक है सर। हु इज एफ इमीडिएट नेबर, नेबर्स एफ के इमीडिएट नेबर कौन है? एफ के इमीडिएट नेबर सिर्फ ए है, ठीक है, तो ए ओनली। समझ में आ गया, इजीएस्ट था क्वेश्चन, ये बन जाएगा। उसके बाद तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं, देख के आपको लिखना ही है, ठीक है। तो कंडीशन से मुझे कैसे स्टेटमेंट बनाने हैं, किस तरीके से इनको लिखना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो धीरे धीरे ये चीज आएगी, ठीक है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं ये क्वेश्चन मुझे पता है, पर दो तीन बार आप ट्राई करोगे ना और फोकस 100% रखोगे और चीजों को रीवेरीफाई करोगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपके टोटल 3 मिनट भी लग गए ना तो भी नुकसान नहीं है उसमें, क्योंकि देखो तो दो क्वेश्चन हो रहे हैं आपके एक साथ, ठीक है। इसलिए बनाते टाइम आपको दिमाग में ये मतलब इतना वो नहीं करना कि जल्दीबाजी में कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, और है हेजिट वो नहीं करना, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना इस तरह के क्वेश्चन में, शांत दिमाग से करना है। हाँ एक बार दो बार तीन बार ट्राई करने के बाद अगर नहीं बनती है कोई बात नहीं, तब आप छोड़ दो उसको एकदम खुशी से, कोई बात नहीं, 2-3 मिनट वेस्ट हो गए तो हो गए। पर अगर एक दो तीन बार अगर आपने कर लिया फिर भी नहीं बन रहा तो इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में माथा लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, पजल में भी ऐसा ही रहेगा। क्योंकि क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन जो है ये आपके दिमाग को एग्जॉस्ट करते हैं। इसलिए मैं क्या करता था एग्जाम टाइम में, जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मैंने देखा कि इसके अंदर जो है पजल टाइप का बन रहा है और दो दो क्वेश्चन है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स तो क्वेश्चन होगा, तो मैं क्या करता था उसको एक बार के लिए छोड़ देता था और बाद में बाकी मैथ्स के क्वेश्चन कर लेता था, मैथ्स और रीजनिंग के कर लेता था, फिर मैं कॉम्प्रिहेंशन करता था, फिर बाद में इन क्वेश्चन पे आता था मैं, ठीक है, जो ये पजल टाइप के होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी दिखने में पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए आपका, दिमाग अगर एग्जॉस्ट हो जाएगा ना, अगर आपका क्वेश्चन पेपर के बीच में, तो आगे आने वाले क्वेश्चन भी जो है वो आप गलत कर जाओगे। और क्या होता है जैसे एग्जाम के बीच में मान लो आपके 3-4 मिनट इन क्वेश्चन में वेस्ट हो गए और फिर भी आंसर नहीं आ रहा, तो बहुत डिमोटिवेशन होता है एग्जाम के टाइम पर कि यार 4 मिनट फालतू के वेस्ट हो गए। तो इसलिए इस ट्रैप में फंसने से बचने के लिए अच्छा है कि इसको आप एंड में ही अटेम्प्ट करें इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है, जिसके अंदर 2-3 क्वेश्चन होते हैं ना नीचे, या फिर दिखने में पता पड़ जाता है आपको कि ये तो कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है सर, 8 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इनका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन सबका फेस है नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ होता है। बी इज नॉट नेबर ऑफ जी, चलो ठीक है, बी और जी ये आसपास नहीं होंगे, ठीक है, बी इज नॉट नेबर ऑफ जी। एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, ठीक है सर, एफ जो है वो इमीडिएट राइट है जी के, ठीक है, यहां मान लेते हैं एफ इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी जी के इमीडिएट राइट एफ है और बी जो है वो जी के पास नहीं है, तो मुझे ध्यान रखना है। एफ इज टू द इमीडिएट ऑफ जी एंड नेबर ऑफ ई, क्या कह रहा, एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड नेबर ऑफ ई। सिंपल सी बात क्या है कि एफ जी के इमीडिएट राइट में है और ई का नेबर है, तो मतलब क्या है, ई इस साइड हो गया, ठीक है। जी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, जी जो है ना वो कोने पे नहीं है यानी बीच में, ठीक है। ए इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के 6th नंबर लेफ्ट पे, यानी कि 1 2 3 4 5
और ये सिक्स्थ, सिक्स्थ नंबर पे कौन है, ए है, ठीक है सर। ए इज सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, एच इज सिक्स टू द राइट ऑफ सी, ठीक है, एच इज सिक्स टू द राइट ऑफ सी। अब टोटल 8 लोग थे, ठीक है, तो पोजीशन कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो पोजीशन एक तो यहाँ हो सकती है, यहाँ एक यहाँ हो सकती है, ठीक है ना। अब ये देखो कि ये वाली जो कंडीशन है, एच इज सिक्स टू द राइट ऑफ सी, ये कहाँ हो सकती है, मान लो अगर मैं सी को यहाँ बिठाऊं, ठीक है एक बार के लिए, तो इसके सिक्स राइट में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉसिबल है क्या, यहाँ तो पॉसिबल है ही नहीं। अब अगर मैं मान लो सी को यहाँ बिठाता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 था, तब पॉसिबल है। तो यहाँ सी को बिठाना है और यहाँ एच को बिठाना है। अब इसके बाद मुझे ये पता है कि बी जो है वो जी का पड़ोसी नहीं है, तो मतलब बी क्या है, बी यहाँ पर है, तो बाकी कौन बचा, ए बी सी डी, ये आ गया। इस तरीके से बनाना होता है, कई बार क्या होता है ना, स्टेटमेंट पहले दे देते हैं और यूज लास्ट में होता है। बी जी का पड़ोसी नहीं है, स्टेटमेंट पहले पहले दे दिया, पर यूज कब हुआ, लास्ट में, ठीक है। और ये वाली चीज कि मैंने देखो ये दो कंडीशन बन रही है और कहाँ पर सी और एच को बिठाना है, इनका ट्राई करके देखना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है कि मैं तो बता दूंगा आपको, ठीक है, आपको लगेगा भी हाँ ऐसे हो जाएगा, लेकिन इस पे खुद का दिमाग आपका तभी लगेगा जब आप इस तरीके के और क्वेश्चंस करेंगे। जब तक नहीं करेंगे, हाथ की प्रैक्टिस, रीजनिंग के इस तरह के पजल वाले सवाल आपको नहीं आएंगे। देखो यहाँ मैं आपको समझा सकता हूँ कि सोचने का तरीका क्या हो सकता है, लेकिन बैठ के मैं आपका हाथ पकड़ के प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार इस तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो अगर मैंने क्वेश्चन पढ़ा दिया ना, उसके बाद वापस वही क्वेश्चन करो उसी तरीके से, तो एक बार कम से कम थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आएगा, कम से कम थोड़ा दिमाग चलेगा आपका कि इस तरीके के क्वेश्चन पे करना कैसे होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में सी है क्या, जी नहीं, ए के राइट में है, ठीक है। अब वो आपको सवाल भी ऐसे देगा, किसी ने गलती से यहाँ पे सी को बिठा दिया होता तो वो ये ए लगा देता, ठीक है। चलो डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, डी भाई साहब इमीडिएट नेबर ऑफ बी, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। जी इज टू द इमीडिएट, इसमें पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है या रॉन्ग पूछा है, अच्छा सॉरी पूछा पूरा नहीं पढ़ा, डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड एफ बोला है ना, तो एफ का नेबर थोड़ी ना है, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत। जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, हाँ जी जो है वो डी के इमीडिएट राइट में, ये ठीक है। ए और ई एक्सक्रीमेंट्स में है क्या, जी नहीं, ए और एच है, ठीक है, तो सी आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं रैंकिंग वाला, सिटिंग अरेंजमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको इतना भी समझ में आ गया होगा कि तरीका तो वही है, बस सिंपल सी बात क्या है कि प्रैक्टिस तो खुद के हाथ से ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा, अगर मैं 5 6 क्वेश्चन और भी करा दूंगा, तो जब तक आप हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसको कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैंने 3 क्वेश्चन इसलिए 3 टाइप के लिए हैं कि 3 टाइप के किस किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से सोचना है, बाकी काम आपको करना है, क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, नहीं समझ में आता उस क्वेश्चन की फोटो खींचिए, जीमेल कीजिए मुझे, अगर मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से सोचना चाहिए था, क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन रैंकिंग का है, समझना एक और कॉन्सेप्ट रैंकिंग का समझ में आएगा, वैसे रैंकिंग समझ लिया आपने तो उसको ट्राई करो पॉज करके। आई होप अपने क्वेश्चन पॉज करके ट्राई किया होगा। इन अ रो ऑफ गर्ल्स किरण इज 15th फ्रॉम द राइट एंड दिव्या इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, चलो कोई भी एक चीज ले लेते हैं, ठीक है। ये किरण 15th फ्रॉम द राइट, मतलब इससे पहले 14 लोग हैं, दिव्या इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, डायरेक्टली नहीं जुड़ रहा, एक बार छोड़ देते हैं। इफ दिव्या इज मेड टू सिस्ट 5 प्लेसेस अहेड ऑफ हर राइट, अगर दिव्या को हम जहां पर वो पहले बैठी थी ना उससे 5 प्लेसेस अहेड ऑफ हर राइट बिठा दे, देन दिव्या कम्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ किरण, क्या कह रहे हैं, इन अ रो ऑफ गर्ल्स किरण इज 15th फ्रॉम द राइट, ओके पहली बात तो बनाए गलत है, राइट से है ना 15th, हाँ ये राइट है, यहाँ पे 14 लोग हैं, ठीक है। इन अ रो ऑफ गर्ल्स किरण इज 15th फ्रॉम द राइट एंड दिव्या इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, इफ दिव्या इज मेड टू सिट 5 प्लेसेस अहेड ऑफ हर राइट, यानी दिव्या को आप क्या कर रहे हो, दाएं स्थान आगे बिठा दो 5, ठीक है, देन दिव्या कम्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ किरण, यानी अगर ऐसा होगा ना तो दिव्या मैडम यहाँ आ जाएगी, दिव्या मैडम यहाँ पे कब आई,
जब हमने इन्हें पांच पोजीशन राइट में बिठाया, मतलब इनकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारी दिव्या मैडम बैठी थी पहले, और बाद में यहाँ आ गई तो किरण के जस्ट राइट में आ गई। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स? दिव्या से पहले कितने लोग थे सर? दिव्या से पहले 10 थे, यानी कि 9 लोग थे। ठीक है, 9 प्लस 1 दिव्या, बीच में है 1 2 3, 3 लोग। ठीक है, और किरण के बाद कितने लोग हैं? किरण के बाद 14 लोग हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 14 17 18 और 9। एक सेकेंड, वापस देख लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। क्या कह रहा था, किरण राइट से 15th। ठीक है, 14 जने किरण से पहले। दिव्या को अगर हम 5 places राइट में बिठाते हैं तो वो जस्ट इमीडिएट राइट में आ जाती है। इमीडिएट राइट में आ गई इधर 5 places, यानी 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, दिव्या, और दिव्या की पोजीशन थी 10th फ्रॉम द लेफ्ट, एंड दिव्या से पहले 9 लोग। 9 लोग प्लस दिव्या, बीच में कितने लोग, 3 लोग प्लस किरण और ये 14 लोग। 14 प्लस 1 15, 15 18 19 एंड 9 28। ठीक है, तो 28 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये जो इसने चीज बताई। इस तरह के स्टेटमेंट कुछ नया सीखने का था, ये अगर आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आई होप आपको इस क्लास में कुछ नया सीखने को मिला होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, पर उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट की और रैंकिंग की तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो और लोग हैं आपके फ्रेंड्स हैं जो सीसेट जिनको प्रॉब्लम करता है, उनको आप वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।